नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राशि, टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। आज हम लोग UGSY 101 का समाज का अध्ययन, जिसमें इकाई है समाज का उद्भव एवं परिभाषा। तो हम लोग समाज के उद्भव को सबसे पहले देखते हैं कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे, कब, किसने किया, उसको हम लोग देखते हैं। समाजशास्त्र की उत्पत्ति, समाजशास्त्र की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर बनी है, जिसका पहला शब्द है सोशियो लैटिन भाषा से और दूसरा शब्द है ग्रीक भाषा से लिया गया है, लोगस ग्रीक भाषा से लिया गया है। सोशियस का अर्थ होता है समाज और लोगस का अर्थ होता है शास्त्र, इसलिए दोनों शब्दों को मिलाकर ये कहा जा सकता है कि समाज शास्त्र अर्थात समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान या शास्त्र है, इसके द्वारा समाज या सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार नवीन विज्ञान को जन्म देने का श्रेय फ्रांस के वैज्ञानिक समाजशास्त्री अगस्त कांटे ने इसको 1838 में इस नवीन विज्ञान को समाजशास्त्र नाम दिया था। समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहे जाते हैं अगस्त कांटे को। यदि हम लोग देखें कि समाजशास्त्र विषय को क्यों पढ़ते हैं, समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति का क्या कारण है, समाज के विज्ञान तो बहुत सारे थे, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, बहुत सारे विज्ञान थे, लेकिन समाजशास्त्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, आवश्यकता पड़ी तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी थोड़ी सी हम पृष्ठभूमि देखते हैं। समाजशास्त्र की उत्पत्ति की पृष्ठभूमि यदि हम देखें तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति की पृष्ठभूमि में दो क्रांतियाँ महत्वपूर्ण हुई, एक हुई फ्रांसीसी क्रांति और एक हुई औद्योगिक क्रांति। इस फ्रांस को हम थोड़ा सा ले चलते हैं। फ्रांस के उस समय फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 में, उस समय फ्रांस की स्थिति क्या थी, जिससे समाजशास्त्र की पृष्ठभूमि बनती है। तो समाजशास्त्र के उद्भव की पृष्ठभूमि 18वीं शताब्दी के यूरोप की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं बौद्धिक परिस्थितियों ने समाजशास्त्र के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूरोपीय सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए कि प्रारंभिक समाजशास्त्रियों द्वारा विकसित विचारों की जड़ें उन परिस्थितियों में है जो उसे समय के अनुसार मौजूद थी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की जो भूमिका बन रही थी, उत्पत्ति होने की जो पृष्ठभूमि बन रही थी, वो फ्रांस में उस समय किस तरह की परिस्थितियाँ थीं, उस समय की परिस्थितियों को हम देखें तो तीन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। उस समय की परिस्थितियाँ इसमें जो है बड़ा उफापोह था, बड़ा हास पास था, इसको लेकर के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने सोचा कि आखिर में इस तरह की समाज या इस तरह की व्यवस्था कैसे बनी हुई, इसको सिस्टमैटिक ढंग से कैसे इसको समाज में एक वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करें। तो उसके लिए एक वैज्ञानिक रूप में समाज के उदय के प्रारंभिक चिन्ह हमें यूरोपीय इतिहास काल में तलाशने होंगे। वही चीज़ें जो मैं बता रहा था, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई, औद्योगिक क्रांति 1760 में हुई, इसमें राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन हुए। इन क्रांतियों से, ये दो क्रांतियों से जो उस समय का समाज था उसमें राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। फ्रांसीसी क्रांति को देखा जाए तो फ्रांसीसी क्रांति स्वतंत्रता समानता के लिए मानव संघर्ष के इतिहास को मोड़ देने वाली घटना सिद्ध होती है। इस क्रांति के सामंतवाद के युग को समाप्त करके एक नए युग या नए व्यवस्था का सूत्रपात होता है। क्रांति के उपजे विचारों से पूरी दुनिया प्रभावित होती है। उस क्रांति में स्वतंत्रता समानता तथा बंधु जैसे विचार उत्पन्न हुए थे, उस विचार को स्थापित करने के लिए ये क्रांतियां हुई थी। जो हमारे एक तरह से देखें
स्वतंत्रता समानता बंधुत्व संविधान की प्रस्तावना में भी लिया गया है। फ्रांसीसी समाज का बुनियादी स्वरूप सामंतवादी समूह में बटा हुआ था। उस समय का जो फ्रांस की व्यवस्था थी या बुनियादी थी वो सामंतवादी व्यवस्था में बटा हुआ था। इसके तीन स्टेट थे जिसे कानूनी मान्यता प्राप्त थी। ये कौन कौन से स्टेट थे? एक तरह से सामंतवादी व्यवस्था में तीन स्टेट थे और तीनों स्टेट एक तरह से उस सामंतवादी व्यवस्था को सपोर्ट करते थे। पहला जो संपत्ति समूह था, जो व्यवस्था बनी थी उसमें पहला संपत्ति समूह था, इसमें जो लोग सम्मिलित थे वो थे भूस्वामी, जमींदार, सामंत, सरदार इत्यादि लोग इसमें सम्मिलित थे। जिनका भूमि पर अधिकार था, जिनके एवज में संपत्ति प्राप्त करते थे, अर्थात वो किसानी मजदूरी वाला काम नहीं करते थे, केवल भूमि के जमींदार थे जो मजदूर उनको काम करके उनके यहाँ संपत्ति पहुँचा देता था, संपत्ति मतलब जो अनाज पैदा होता था। दूसरा संपत्ति समूह था, इसमें धार्मिक नेता शामिल थे, पादरी, बिशप, सर्वाधिक धनवान लोगों का समूह था जो कुछ करता नहीं था लेकिन सर्वाधिक धन प्राप्त करता था। एक तरह से हम एक सिस्टमेटिक ढंग से देखें, एक और पढ़ के बता। तीसरा संपत्ति समूह था, इसमें समाज के शेष लोग शामिल थे, किसान थे, नौकर पेशा लोग थे, व्यापारी थे, समाज की जो समाज के ऋण थे, लेकिन ये सर्वाधिक परेशान लोग थे। उपजा हुआ जो अनाज था, धन था, उसका तुच्छ भाग इनको प्राप्त होता था और ये हमेशा अभाव ग्रस्त रहते थे। अर्थात हम इन तीनों व्यवस्थाओं को देख करके, फ्रांस की क्रांति को देख करके ये कंक्लूजन कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति में सामंतवादी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में तीन स्टेट थे, तीनों स्टेट उसको सपोर्ट करते थे। तीनों स्टेट में जो पहला स्टेट था वो इलिट वर्ग था, वो भूस्वामी था, भू जमीन का मालिक था, दूसरा जो था पादरी था और तीसरा जो था किसान था। अर्थात जैसे राजतंत्र में देख ले तो राजा होता है, मुंशी होता है और मजदूर होते हैं। तो मजदूर तो जिंदगी भर मजदूरी करता रहता है, उसकी जो उपज होती है वो उसका हिसाब किताब मुनीब रखता है, मुंशी रखता है, उसके बाद सारा जो धन होता था वो राजा के पास चला जाता था। इस तरह से व्यवस्थाएं उस समय यूरोप में विद्यमान थी। फिर ये फ्रांस की क्रांति थी। अब औद्योगिक क्रांति में क्या था? औद्योगिक क्रांति में देखा जाए तो आसपास ब्रिटेन में प्रारंभ हुई, कपास और खनन की उस समय जो है प्रचलन में था, उसी का अधिक से अधिक उत्पादन और उपभोग होता था, इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। उस फ्रांस की क्रांति में देखा जाए तो जो औद्योगिक क्रांति का नए औजार तथा तकनीकों का विकास हुआ, फ्रांस की औद्योगिक क्रांति में नए तकनीकी और औजारों का विकास हुआ जिसने व्यापार पैमाने पर वस्तुएं तैयार हो सकती थी। 1760 से 1830 के बीच औजार तकनीक और उत्पादन के प्रबंध में कई नए आविष्कार हुए। ये जो डेट है 1760 और 1830, इसके बीच कई नए आविष्कार हुए जिनमें उत्पादन की फैक्ट्री प्रणाली अस्तित्व में आई। इस प्रकार उत्पादन की सामंतवादी प्रणाली के स्थान पर पूंजीवादी प्रणाली विकसित हुई। अब ये कहना चाहते हैं कि जो किसान मजदूर वर्ग करता था, काम करता था, उसका काम मशीनीकरण हो गया, अर्थात मशीनों ने करना प्रारंभ कर दिया। कब? औद्योगिक क्रांति में। इसलिए ब्रिटिश इतिहासकार अर्नोल्ड टाइनबी द्वारा इस औद्योगिक क्रांति शब्द द्वारा नामांकित किया। औद्योगिक क्रांति शब्द की उत्पत्ति या उत्पत्ति देने वाले शब्द देने वाले अर्नोल्ड टाइनबी थी। दो चीज, उपयुक्त घटनाओं के परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। जो भी घटनाएं देखा गया है कि किस तरह की फ्रांसीसी क्रांति में हुआ, फिर औद्योगिक क्रांति में क्या हो, उस समय गुजर रहा था। कोई भी व्यवस्था अस्थायित्व को नहीं प्राप्त कर रही थी। जो भी था हाजपाज पूरा उस समय मचा हुआ था, फैला हुआ था, समाज अनेकों समस्याओं का सामना कर रहा था। तत्कालीन विद्वानों द्वारा सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था।
समाज में विज्ञान का महत्व सर्वाधिक था और सामाजिक समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक ढंग से करने पर बल दिया जा रहा था। कहना ये है इसमें कि जो उस समय की घटनाएं थी एकदम बिल्कुल एकदम हाच-पाच हुआ करती थी, तो उसको कुछ फिलॉसफी, कुछ समाजशास्त्री, कुछ विचारक, कुछ दार्शनिकों ने उसको व्यवस्थित करने की कोशिश करे और उस व्यवस्था को कहें कि व्यवस्था अस्थायी तो नहीं है, जो भी समाज है किस तरह का चल रहा है इसको कुछ अस्थायी तो नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए उन्होंने उस व्यवस्था में फैले उपाकू को शांत करने और एक व्यवस्था बनाने की कोशिश करना चाह रहे थे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र के उद्भव में समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना, उसके उत्पत्ति की जो पृष्ठभूमि होती है वो होती है फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति। फ्रांस के समाज में क्या स्थितियाँ थी, औद्योगिक क्रांति के समय क्या स्थितियाँ थी, इस स्थितियों से उभर करके समाजशास्त्र की पृष्ठभूमि तैयार होती है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति के लिए एक कहावत या ऐसे कह सकते हैं कि एक बात ऐसे सुनने को मिलती है कि उस समय महारानी थी जो है, उन्होंने राज्य में अपने अनाज देना बंद कर दिया। किसानों ने कहा कि महारानी के पास गए, कहा कि महारानी मुझे खाने के लिए रोटी नहीं है, तो महारानी ने कहा कि रोटी नहीं है तो ब्रेड खाओ। इसी बात को लेकर के मजदूरों ने उस महल को तहस नहस कर दिया। तो इस तरह की जो उस समय व्यवस्था थी उस व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए बहुत सारे विचारकों ने उसको समाजशास्त्र को स्थापित करने का काम किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है अगस्त काम्ट का। इनके गुरु थे सेंट साइमन। अब हम एक बात और देखना चाहेंगे, समाजशास्त्र की परिभाषा क्या है। कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्र को परिभाषित करने की कोशिश किया है कि समाजशास्त्र को कैसे परिभाषित किया, लेकिन उसमें भी बहुत लोगों का बहुत अपना अपना मत है। मनुष्य आदिकाल से, एक चीज इसमें बताया जा रहा है कि समाजशास्त्र, मनुष्य तो आदिकाल से समाज में रहता है परंतु उसने समाज और अपने स्वयं के अध्ययन के बारे में देरी से रुचि लेना प्रारंभ किया। समाज में तो मनुष्य रह रहा था लेकिन वो अपना स्वयं का अध्ययन नहीं कर रहा था कि हमारा परिवार विवाह ये सब व्यवस्थाएं कैसे होगी, उसके बारे में कभी सोचता नहीं था। सर्वप्रथम मनुष्य ने प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना प्रारंभ किया। अपने चारों ओर के पर्यावरण को समझने का प्रयत्न किया, अंत में स्वयं को समझने का कार्य किया। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य उस समय पहले प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया, फिर उसके बाद जो है अपने समाज, अपने जो है घटनाओं का अपने समाज के विषय में अध्ययन करने का प्रयास किया, सोचना विचारना शुरू किया। यही कारण है कि पहले प्राकृतिक विज्ञानों का उद्भव हुआ, उसके बाद सामाजिक विज्ञानों का, उसके पश्चात सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञानों के विकास क्रम में समाजशास्त्र एक विषय के रूप में विकसित काफी बाद में हुआ। समाज विज्ञान के जो विषय हैं उनका और विज्ञानों और समाज विज्ञानों का विषयों का उत्पत्ति पहले हो गई थी, समाजशास्त्र की उत्पत्ति सबसे अंतिम और एक नवीन विज्ञान के रूप में होती है। पिछली शताब्दी में इस नवीन विषय को अस्तित्व में लाने का अवसर मिला। इस दृष्टि से अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है। समाजशास्त्र की आवश्यकता का अनुभव जटिल समाजों और विभिन्न सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए किया गया। समाजशास्त्र का जो विषय की स्थापना करने का बनाने की बात हो रही थी कि विषय बनाया जाए, तो वो सामाजिक घटनाओं को अध्ययन करना किया गया कि समाज में जो घटनाएं घट रही हैं उसके अध्ययन करके और छोटे छोटे घटनाओं को एक सिस्टमेटिक ढंग से रखने का प्रयास करके एक समाजशास्त्र विषय का नाम दिया गया, समाजशास्त्र विषय बनाया गया। धीरे धीरे इस शास्त्र का महत्व बढ़ता ही गया। समाजशास्त्र के विकास के संबंध में एक समाजशास्त्री है, टीवी बोटोमोर ने लिखा है कि हजारों वर्षों से लोगों ने उन समाजों एवं समूहों का अवलोकन और चिंतन किया जिसमें वह रहते हैं, फिर भी समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है और एक शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है, ऐसा टीवी बोटोमोर ने कहा। डॉन मार्टिंडर ने बताया कि यदि मानव प्रकृति से दार्शनिक
है तो स्वभावतः वह समाजशास्त्री है, क्योंकि सामाजिक जीवन उसका स्वाभाविक उद्देश्य है। परंतु समाज में रहने, सामाजिक संबंध स्थापित करने और सामाजिक जीवन में भागीदार बनने मात्र से व्यक्ति समाजशास्त्री नहीं बन जाता। अतः आवश्यकता इस बात की है कि यह समझने का प्रयत्न किया जाए कि वास्तव में समाजशास्त्र क्या है। अब हमें दूसरा प्रश्न आता है। एक प्रश्न था कि समाजशास्त्र की पृष्ठभूमि क्या थी, जो मैंने बताया कि फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति। और दूसरी बात आती है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति, आखिर में समाजशास्त्र क्या है उसको हम देखते हैं। जब हम इस पर विचार करते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, तो विभिन्न समाजशास्त्रियों के दृष्टिकोण विचारों में भिन्नता देखने को मिलती है। लेकिन इतना अवश्य है कि अधिकांश समाजशास्त्री समाज को समाज का विज्ञान मानते हैं। समाजशास्त्र का अर्थ स्पष्ट करने की दृष्टि से विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर विचार किए हैं। उनके द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषा को प्रमुखतः चार भागों में बांटा जा सकता है। समाजशास्त्र की जो परिभाषा है उसको प्रमुखतः चार भागों में बांटा जा सकता है। अब हम दूसरा चीज़ें देखते हैं कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति क्यों हुई, कैसे हुई। तो पहला जो विचारक हैं, जो समाजशास्त्री हैं, समाजशास्त्र को उत्पन्न होने के लिए जो चार भागों में बांट करके के व्यवस्थित करके उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, वो चार भाग इस प्रकार हैं। समाजशास्त्र के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। अब हम एक बात बताना चाह रहे हैं कि समाजशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, समाज का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। ऐसे बातों को ये गिडिंग्स, वार्ड, ओडम जैसे समाजशास्त्री बताने की कोशिश करते हैं। गिडिंग, समनर, वार्ड आज कुछ ऐसे समाजशास्त्री हुए जिन्होंने समाजशास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का प्रयत्न किया जो संपूर्ण समाज का समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करे। एक चीज से और जान लेना है कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, समाज मानव समाज का अध्ययन करता है, न कि पशु समाज का। ये जो चीज क्लियर हो जाए। वार्ड क्या कहते हैं, कि वार्ड के एक परिभाषा देते हैं, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। विज्ञान कहा, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। गिडिंग्स ने कहा, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। जो समाजशास्त्र विषय है वो समाज की घटनाओं को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करता है, ऐसा गिडिंग्स ने कहा। ओडम कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। समाज में जो चीज़ें हो रही है, जो गलत सही जो भी व्यवस्थाएं चल रही हैं, उसका अध्ययन करता है समाजशास्त्र, ऐसा ओडम ने कहा। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। अब समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है, सामाजिक संबंधों, जो समाज में संबंध बने हैं, परिवार, विवाह, नातेदारी, उस संबंधों का अध्ययन करता है। एक तरफ समाज का अध्ययन किया, दूसरी तरफ संबंधों का अध्ययन कर रहा है। मैकाइवर तथा पेज, बहुत फेमस परिभाषा है और बहुत अच्छी परिभाषा है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। समाज में जो संबंध हैं वो जाल की तरह फैले हुए हैं। प्राथमिक संबंध, द्वितीयक संबंध, तृतीयक संबंध, परिवार, विवाह, नातेदारी, बहुत सारे ऐसे संबंध हैं, जोड़ा जाए कि मम्मी पापा से और रिलेटेड जो जो संबंध होते हैं, उसी संबंध की बात कह रहे हैं। आपने अन्यथा एक जगह और उन्होंने लिखा कि सामाजिक संबंध मात्र समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु, एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, तो सामाजिक संबंध, ऐसा मैकाइवर यों पेज कहा। क्यूबर के अनुसार समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मानव संबंधों के, जो मानव का संबंध, वो भी रिलेशन की बात कर रहे हैं, ज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मानव के संबंधों को
परिभाषित किया जा सकता है। अर्नॉल्ड यम रोज के अनुसार एक और समाजशास्त्री, उन्होंने संबंधों के बारे में क्या कहा, समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। मैंने पहले बताया कि जो भी हम लोग अध्ययन समाजशास्त्र में करते हैं वो मानव समाज का अध्ययन करते हैं। समाज दो प्रकार का एक तरह से देखा जाए, मानव समाज और पशु समाज। तो हम लोग पशु समाज का अध्ययन समाजशास्त्र में नहीं किया जाता, समाजशास्त्र में मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। मैक्स वेबर कह रहे हैं समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है। जो कार्य हो रहे हैं सामाजिक संबंधों में, जो कार्य हो रहे हैं उसका अध्ययन करता है, मैक्स वेबर कह रहे हैं। वान बीज ने लिखा है कि सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, एकमात्र विषय वस्तु है वास्तविक आधार पर देखा जाए तो। अब कुल मिलाकर के ये लोग संबंधों पर फोकस किए हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। एक लोगों ने कहा समाज का अध्ययन करता है, एक लोगों ने कहा सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। तीसरा है समाजशास्त्र समूह के अध्ययन के रूप में। नोप्स, एक समाजशास्त्री हैं नोप्स, उनके अनुसार समाजशास्त्र समूहों में लोगों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन। ऐसा नहीं है कि जो समूह में लोग रहते हैं उनका अध्ययन नहीं किया जाता, समूह में रहने वाले लोगों का एक वैज्ञानिक और सिस्टमैटिक ढंग से अध्ययन करने का काम समाजशास्त्र विषय करता है, ऐसा नोप्स कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि समाजशास्त्र व्यवहार के उन प्रतिमानों की ओर ध्यान देता है जो संगठित समुदाय में रहने वाले लोगों में पाया जाता है। समुदाय में जो लोग रहते हैं उनका अध्ययन एक सिस्टमैटिक वैज्ञानिक ढंग से समाजशास्त्र में किया जाता है। लास्ट स्टेप जो बचा है वह है समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। अंतःक्रिया जो होती है उसका अध्ययन समाजशास्त्र में भी किया जाता है। पहला कहा उन्होंने गिलिन और गिलिन के अनुसार व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे समूह में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले अंतःक्रिया का अध्ययन कहा जा सकता है। एक समूह से दूसरे समूह में जब मर्ज करते हैं मिलते हैं तो उसमें क्या अंतःक्रिया होती है उसकी बात कर रहे हैं। ऐसा लोग समूह में है, एक समूह से दूसरे समूह से मिलते हैं, उनके एक्शन रिएक्शन क्या होता है, अंतःक्रिया क्या होती, उसका भी अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। गिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि मानवीय अंतः संबंधों का समाजशास्त्र में, जो समाज में मानक हैं मूल्य हैं उसके द्वारा जो सामाजिक क्रिया किया जाता है, अंतःक्रिया किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। इस तरह के जॉर्ज सिमेल के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंत संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है, उसमें जो अंतः संबंध के स्वरूप हैं उसका अध्ययन भी समाजशास्त्र में व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का भी विज्ञान है। अर्थात हम एक तरह से देखें तो हम इस पूरे लेक्चर में ये बताने की कोशिश किए हैं कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन किया, कब हुआ। जिसमें मैंने बताया लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा, लोगस और सोशियो, और अगस्त कामटे 1838 समाजशास्त्र की उत्पत्ति हो गई। पृष्ठभूमि क्या थी, पृष्ठभूमि औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति थी। उस समय की सामाजिक व्यवस्था क्या थी, उस व्यवस्था से उत्पन्न व्यवस्था को सिस्टमैटिक ढंग से प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया हुई वो समाजशास्त्र के तहत हुई। समाजशास्त्र की परिभाषा कौन कौन दिए हैं और समाजशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, तो समाजशास्त्र में समाज, समूह, अंतःक्रिया और संबंध, चारों का अध्ययन करने का काम समाजशास्त्र में किया गया है। इस तरह से कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान के साथ साथ समाज का एक वैज्ञानिक अध्ययन, व्यवस्थित अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।